नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज कर सकते हैं, हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ये बात बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज करें ये बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और यही बात आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम अपना डीमैट अकाउंट कब क्लोज करते हैं। मुझे लगता है कि तीन रीजन होते हैं जब हम अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला रीजन तो यह होता है कि हम अपने ब्रोकर से सेटिस्फाइड नहीं है। जिस ब्रोकर के पास में हमने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है, वो जो हमें सर्विस दे रहा है उसके सर्विस से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है, इसीलिए हम अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन ऐसा होता है कि ब्रोकरेज, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज, ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा हो, एकदम हाई ब्रोकरेज आपसे ले रहा हो, जिससे आप खुश नहीं हो, इसीलिए आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन मुझे लगता है कि बैड एक्सपीरियंस। कई सारे इन्वेस्टर का, क्लाइंट का क्या होता है कि बैड एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में। मतलब वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि बस अब वो वहां पे स्टॉप करना चाहते हैं और अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। या तो फिर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है बट उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो क्लोज करना चाहते हैं। तो ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिस वजह से लोग अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। और अब फ्रेंड देखिए, जब आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करने जाओगे तो दो बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। पहली बात यह कि आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपका डीमैट अकाउंट नील रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा तो आपका डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है, ये होगी पहली बात। अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर है तो उसको आप किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में, मतलब आपका खुद का डीमैट अकाउंट और किसी ब्रोकर के पास में होगा तो वहां पे आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे वो शेयर, फिर आप ये डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। या तो किसी दूसरे के डीमैट अकाउंट में भी वो शेयर आप भेज सकते हो, आपके फ्रेंड के, रिलेटिव्स के, ठीक है, तो भी आप, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करना है तो आपका जो डीमैट अकाउंट है नील होना चाहिए, मतलब उसके अंदर में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए, ये होगी पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बैलेंस का मतलब डेबिट, आपके अकाउंट में कोई भी डेबिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एएमसी चार्जेस वगैरह हमें लग जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाता है, बट वो डेबिट हमारे अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर वो डेबिट है तो वो आपको डेबिट भी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका डीमैट अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीमैट अकाउंट अपना क्लोज करने जाते हैं। तो ये दोनों चीजों का ध्यान हमें रखना जरूरी है, डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए और हमारा डेबिट बैलेंस जो है, हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या अपना डीमैट अकाउंट क्लोज ही नहीं करते, उनके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अपना डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं करते, वो रहने देते हैं, वो सोचते हैं कि क्या क्लोज करना, मेरे डीमैट अकाउंट में तो कोई शेयर है नहीं, रहने दीजिए खुला, ठीक है, कभी अगर मेरी इच्छा होगी कोई शेयर खरीदने की तो मैं खरीद पाऊंगा, ठीक है। इस वजह से वो अपना डीमैट अकाउंट क्लोज ही नहीं करते और कई कई साल तक उनका डीमैट अकाउंट ओपन रहता है, ठीक है। और होता क्या है कि बहुत दिनों तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन है तो ब्रोकर क्या करता है कि हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी आपके डीमैट अकाउंट में लगाता जाता है, जो 100 रुपए भी हो सकती है, 200 रुपए भी हो सकती है और 500 1000 रुपए भी हो सकती है, और डिपेंड करती है ब्रोकर टू ब्रोकर, ठीक है। तो ऐसे एएमसी चार्जेस हर साल आपके डीमैट अकाउंट में लगते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। और आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर भी नहीं है और आप उसे ऑपरेट भी नहीं कर रहे हो तो अननेसेसरी आप उसको क्यों चालू रख रहे हो, उसे आपको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस उसे हर साल लगते जा रहे हैं, ठीक है, तो बेटर है कि हम उसे क्लोज कर दें, ठीक है। अब कुछ लोग अपना डीमैट अकाउंट इसीलिए भी क्लोज नहीं करते क्योंकि उनको ऑलरेडी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है। जब वो अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करने ब्रोकर के पास में जा रहे हैं तो ब्रोकर उनसे ये बोल रहा है कि सर आपको जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगे हैं, मे भी हो सकता है 500 रुपए लगे होंगे, 1000 रुपए लगे होंगे, तो पहले आप इसका पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद में आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अब क्लाइंट ये सोचता है कि मैं यार अकाउंट क्लोज करने आया हूँ, ठीक है, और मुझे क्लोज करने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, एक्चुअल में क्लोज करने के पैसे नहीं देने पड़ रहे आपको, बट वो अकाउंट मेंटेनेंस जो चार्जेस आपको लगे हैं उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, बट क्लाइंट को तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे 1000 रुपए देना है अकाउंट क्लोज करने के, ठीक है, तो मैं क्यों अकाउंट क्लोज करूं, बेटर है रहने देते वैसे ही, ठीक है, मेरा तो कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, अकाउंट क्लोज करके क्लाइंट का क्या फायदा है, ठीक है। तो फिर क्लाइंट सोचता है कि अकाउंट क्लोज करना ही नहीं चाहता, क्लाइंट 1000 रुपए देना ही नहीं चाहता एएमसी के, वो वैसा ही अकाउंट पड़ा रहता है कई सालों तक और उसमें एएमसी चार्जेस जुड़ते चले जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे में क्लाइंट अपना अकाउंट क्लोज नहीं करता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि हमने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज ही नहीं किया, ठीक है, और बहुत सालों तक एएमसी चार्जेस उसमें लग गए, ठीक है, उसका पेमेंट भी हम नहीं कर रहे, तो ऐसे में ब्रोकर क्या कर सकता है हमारे साथ में। तो फ्रेंड देखिए, मैंने जो देखा हूँ, ब्रोकर ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, और जनरली कुछ करता भी नहीं है ब्रोकर,
क्योंकि अभी तक कि मैंने अपने करियर में ऐसा कभी देखा नहीं हूँ कि किसी बंदे ने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं किया, एएमसी चार्जेस का भी पेमेंट नहीं किया तो ब्रोकर ने कोई एक्शन लिया हो उस पर, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं हो, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आइडियल यही है कि आप क्यों ये सब टेंशन में पड़ना चाहते हो, बेटर यह है कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो सिंपली हम उसे क्लोज कर दें इसके पहले कि उस पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते चले जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आपको बहुत ज्यादा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लग गए 2,000, 3,000, 4,000, देखिए जो अमाउंट लगा हुआ है आपको, मान लो 4,000 रुपये लगा हुआ, अब देखो 4,000 रुपये जो लगा हुआ है वो पूरा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है क्योंकि आप कई सालों तक एएमसी का पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ता चला जाता है। तो आप अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता हूँ बट ये जो 4,000 रुपये लगे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, इसमें इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है उसको वे ऑफ कर दीजिए। मान लो इसमें 1,000 रुपये इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं जो एएमसी लगा हुआ सिर्फ उसी का पेमेंट करूंगा, मान लो मैं 3,000 रुपये का ही पेमेंट करूंगा, जो इंटरेस्ट है 1,000 रुपये उसका पेमेंट नहीं करूंगा, तो ऐसा बोलिए आप अपने ब्रोकर को, तो आपका ब्रोकर इसमें मान सकता है, ठीक है। देखिए इसमें ब्रोकर का फायदा ये, अगर ब्रोकर ये ब्रोकर का फायदा कैसा है इसमें, चलो भैया कोई बंदा 3,000 रुपये तो देने को तैयार है, 4,000 रुपये लगा हुआ है बट 3,000 रुपये देके वो अपना अकाउंट क्लोज तो कर रहा है, तो ऐसे में 3,000 रुपये तो ब्रोकर को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उन्हें ऐसा बोल दो कि ठीक है यार 4,000 रुपये लगे रहने दो मैं अपना अकाउंट क्लोज नहीं करता, तो ऐसे में तो ब्रोकर को 1 रुपया भी नहीं मिला, ठीक है, तो और ब्रोकर कुछ करता भी नहीं है, ऐसे में कर भी नहीं सकता। तो बेटर यही है कि आप कोशिश करिए अपना इंटरेस्ट वे ऑफ करने के लिए बोलिए ब्रोकर को, अगर वो इंटरेस्ट वे ऑफ करता है तो आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो, और बट इस लेवल तक अपने अकाउंट को मत आने दीजिए कि बहुत ज़्यादा उसमें एएमसी चार्जेस लग जाए, अगर आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो पहले ही उसे आप क्लोज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस वक्त आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, कई जगह पे साइन करना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के, ठीक है। बट डीमैट अकाउंट क्लोज करते वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती है, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती है। डीमैट अकाउंट आपको क्लोज करना है तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, दो कैटेगरी के ब्रोकर मार्केट में काम करते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर, आपका दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह अकाउंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास में आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो इसकी तीन प्रोसेस है दोस्तों, मतलब तीन तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर है तो उनके मतलब हर शहरों में उनके ऑफिसेज होते हैं, उनके ब्रांचेस होते हैं, तो सिंपली आप उनके ब्रांच में जाइए, वहां पे आपको अकाउंट क्लोजर डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म देंगे, उसको साइन करके आपको सबमिट करना है, आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास में अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो घर पहुंच सर्विस देते हैं, घर पे आते हैं क्लाइंट के सर्विस देते हैं, ठीक है। जब वो अकाउंट ओपन करने के बाद भी इतनी सारी उन्होंने हमें सर्विस दी है तो अकाउंट क्लोज करने की बारी है तो तब भी उन्हें हमें सर्विस देना चाहिए, ठीक है। तो उनके एग्जीक्यूटिव को कॉल करिए, बुलाइए घर पे, बोलिए अकाउंट क्लोजर का फॉर्म लेके आइए, फॉर्म साइन करिए, दे दीजिए उस एग्जीक्यूटिव के पास में, उस तरीके से भी आपका अकाउंट क्लोज होता है। अब तीसरा तरीका यह है कि आप घर बैठे कैसे कर सकते हो, तो सिंपल कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट है, उनकी वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करिए, अकाउंट डीमैट अकाउंट क्लोजर का फॉर्म डाउनलोड करिए, उस फॉर्म को फिल करिए और बाय कुरियर उनके एड्रेस पे आप सेंड कर दीजिए हेड ऑफिस में, ठीक है, और आपका डीमैट अकाउंट विद इन 7 डेज में क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये हो गई फुल सर्विस ब्रोकर की बात है। अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की। डिस्काउंट ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट है तो आप कैसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उनको फिल करना है और कुरियर कर देना है उनके हेड ऑफिस पे। ये हो गया पहला तरीका जो कि ऑफलाइन तरीका है, ठीक है। दूसरा ऑनलाइन तरीका भी, आप ऑनलाइन तरीके से भी डिस्काउंट ब्रोकर के पास में आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीका कैसा है, ऑनलाइन तरीका कुछ ऐसा है दोस्तों कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है उनकी वेबसाइट से, फॉर्म को फिल करना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐप डाउनलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डीजीओ करके एक ऐप है जो कि जीरोदा के लोग यूज करते हैं अकाउंट क्लोजर के लिए, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डीजीओ करके ऐप, ठीक है। उसको ऐप को आप डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है आपको कि जो फॉर्म आपने डाउनलोड करके फिल किया हुआ है उसको स्कैन करके इस ऐप पे आपको अपलोड करना है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर ऐप पे, या डीजीओ अगर आपने डाउनलोड किया तो डीजीओ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में वहां पे वर्चुअल आईडी आपको एंटर करना है जो कि आपको उसी ऐप में मिल जाएंगी, वो वर्चुअल आईडी आपने एंटर कर दी। उसके बाद में आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा ओटीपी के जरिए, मोबाइल वेरिफिकेशन होने के बाद में ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपको जीरोदा के सर्विस पोर्टल पे जाना है, सपोर्ट पोर्टल पे, ठीक है। सपोर्ट पोर्टल पे जाके आपको रिक्वेस्ट करना है कि मैंने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है अकाउंट क्लोजर की, मेरा अकाउंट अब क्लोज कर दीजिए, ठीक है। वहां पे सिंपली आप लिख सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड ऑल प्रोसीजर ऑफ अकाउंट क्लोजिंग, प्लीज क्लोज माय अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है।
ऐसा आप लिख दोगे तो आपका विद इन 7 डेज ये सारी प्रोसेस हो जाती है और आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो अकाउंट क्लोजर के लिए तो आपको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। मतलब फॉलोअप लेके आप अपने ब्रोकर से पूछिए कि मेरा अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो अकाउंट क्लोज होने के बाद में आपको मोबाइल पे पता चल जाएगा, वो एक इंटीमेशन आपको मोबाइल पे आपको SMS के द्वारा बताते हैं कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है। बट अगर आपको SMS के द्वारा ये बताया नहीं गया है अभी तक, तो आप जरूर क्रॉस चेक करिए कि आपका अकाउंट सही में क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाला ब्रोकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करने में, क्योंकि उसको बिजनेस मिल रहा है, उसके पास में बिजनेस आ रहा है, ठीक है। बट जब हम डीमैट अकाउंट क्लोज की रिक्वेस्ट करते हैं अपने ब्रोकर के पास में, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उस बिजनेस उसके पास में जा रहा है, ठीक है। तो कई केसेस में ऐसा भी देखा गया और ब्रोकर इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो ब्रोकर क्या करते हैं, आपके रिक्वेस्ट तो ले लेते हैं अकाउंट क्लोजर की, बट वो आपका अकाउंट क्लोज ही नहीं करते, ठीक है। कई कई सालों तक आपका अकाउंट ओपन ही रहता है और उसमें AMC चार्जेस जुड़ते चले जाते हैं और क्लाइंट को ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट इसका फॉलोअप लेता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब आप अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फॉलोअप जरूर लीजिए, क्योंकि ब्रोकर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ब्रोकर अपना दिल मार के, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि हमें इसका फॉलोअप लेके पता लगाना चाहिए कि हमारा डिमांड अकाउंट सही में क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक आपको मोबाइल पे SMS के द्वारा ये पता नहीं चल जाता कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया, तब तक फॉलोअप लेते रहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से हम अपना डिमांड अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होंगी और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।